अच्छा माँ जी, चलती हूँ। जीती रहो बेटी। बाय भाभी। अच्छा बाबूजी। खुश रहो बेटा। उदय, माँ बाबूजी का ख्याल रखना, मैं कावेरी को छोड़ के आता हूँ। चलो कावेरी। भागले तू? बाबूजी मैं थोड़ा चलो। गया रे गया, तू गया। अभी हम दोनों के लिए मुझे ही पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। काय काय? बाबू, शंकर। कौन शंकर? एनकाउंटर शंकर। ओ शंकर भाई, हाँ बोलो। त्यों 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 मैं निकला हो गड्डी लेके। ए बंद करो ये, मेरे भांजे के लिए ये सब, तुम्हारे खेलने के लिए नहीं, समझे क्या? अंकल हम भी खेलेंगे। बड़ी देर हो चुकी है, उदय लौटा नहीं अभी तक क्या? बाबूजी, उदय को घर में रखने का बेगी तरीका है। क्या? कावेरी को घर ले आइए, हमेशा के लिए। वैसे माँ, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ तो? नहीं रंजो, मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं ड्यूटी जाते समय वो उसे भी अपने साथ पुलिस स्टेशन न लेता जाए। लीजिए उदय आ गया, उसी से पूछिएगा ये सवाल। बाबू कसाई नाम है मेरा। उदय के आने तक अगर तू जिंदा रहा तो कह देना उसे कि आग से खेलने वाले खुद जल जाते हैं, आग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
उदय, मैंने रंजू, माँ बाबूजी, किसी को कुछ नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया मैंने। किसने किया ये सब? लोचा हो गया यार। अभी हम दोनों के लिए तुझे पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। चुप, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। वादा कर उदय, उदय वादा कर। हिंदुस्तान की आबादी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तो सोचा कि बाबू के हाथों थोड़ी कम करवा दूं। आज तेरा दोस्त मरा है, कल बाप मरेगा, परसों माँ मरेगी, सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब 10 मरने से तो बेहतर है कि एक मरे, है कि नहीं? देख, अब भी वक्त है, अपने आप को चुपचाप मेरे हवाले कर दे और वर्दी पहनने का सपना छोड़ दे। पे हाथ उठाता है, हाँ? लोगों के सामने होशियारी दिखाता है, कटर में रहकर मुझसे दुश्मनी करेगा। कुत्ते की मौत मरवा दिया ना अपने दोस्त को। मौत को सामने खड़ा देख डर लग रहा है। अब सोच, जब ये गोली तेरे सर में घुसेगी तो तुझे कितना दर्द होगा महसूस कर। जब मेरा दोस्त मोहन मरा तो उसे कितना दर्द हुआ। आंखें खोल और देख अपनी मौत को, देख, देख। बाबू, शंकर। शंकर, जब देखो चांदनी रात को मावस बनाने आ जाते हो। बोलो। सुन, मुझे उदय के दोस्त के कत्ल के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक आधे घंटे में कंटेनर यार्ड पे मिल। अरे फोन पे बताना यार। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती हैं। ठीक आधे घंटे में कंटेनर यार्ड पे मिल। उदय, उदय तुम बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहे हो। इस
शंकर तू तो जाके देख। शंकर कि तुम इस तरह की कोई गलती करो और तुम्हें वो फंसाए, क्या इन्हें देख के मेरा खून नहीं खोलता? अरे यार मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस देश को इस समाज को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अब फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, देन गो अहेड शूट हिम बिकम अ क्रिमिनल। सर इसके जैसे कीड़ों को एक बार समाज से हटा दूं, फिर मेरे जैसे एक क्या हजारों उदय पैदा होंगे। मुझे आपकी कही हुई हर बात अच्छी तरह से याद है सर, यह भी याद है कि आपने इन सबको फंदा पहनाने की कसम खाई थी। मैं भी वही कर रहा हूं सर। फर्क सिर्फ इतना है बिना वर्दी के सर। सर आपने रिवॉल्वर दिखाएंगे हमें? रिवॉल्वर क्यों सर? डू एज आई से। श्योर सर। प्लीज फायर। तो ये है आपकी असली रिवॉल्वर, होली के रंग से भरी हुई। और ये रही आपकी असली रिवॉल्वर, हमें सिर्फ कंफर्म करना था। मेरी बात सुनिए सर। सॉरी, अब आपको जो कुछ भी अपनी सफाई में कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहना। हाँ सर, लेकिन सॉरी। मना क्या था ना मैं तेरे को कि इलेक्शन खत्म होने तक कुछ नहीं करने का, मगर तुझसे तो अपना हार बर्दाश्त नहीं होता। बाबू को मरवा दिया उस लड़के के हाथों और अब खुद बड़ा मुसीबत में फंस गया। अगर तुझसे प्यार नहीं करता ना तो मरने दिया होता तुझे। घूर मत, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। मैं
हर बार जोश के साथ नहीं, होश के साथ भी काम करना चाहिए, समझा ना? हो जाए। जिस बाबू से तुम कत्ल करवाते थे, आज उसी बाबू का कातिल कहलाते हुए कैसा लग रहा है शंकर? तू भी जानता है कि बाबू को तूने नहीं मारा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्राइम स्पॉट पर तेरा रिवॉल्वर मिला है। अपनी वर्दी को अच्छी तरह से देख ले शंकर, बहुत जल्द उतरने वाली है। तू तो फंस गया शंकर, और तुझे फंसाने वाला ही तुझे मुक्त करेगा तेरी जिंदगी से। दर्द बर्दाश्त करने की आदत डाल ले, क्योंकि आज से एनकाउंटर शंकर का सिर्फ दर्द से एनकाउंटर होगा। शंकर, आज से तू खलास। शंकर, शंकर जाग। अब ये सोच कि कल अपनी सफाई में क्या बोलेगा।